तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो स्पेशल अपील की सुनवाई है वो परसों मंगलवार को लगी हुई है एक नंबर पर, क्योंकि राजन राय साहब इस समय सर्विस मैटर पर ना बैठ करके रिट सी यानी अल्ट्रावायरिज वगैरह देख रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेस संख्या ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोई दिक्कत है तो उनका प्रेस थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। तो उम्मीद तो है लंच से पहले, ठीक पहले या लंच के बाद अपनी जो चूंकि पहले नंबर पर ही मुकदमा लगा है तो सुनवाई होगी। राजन भाई नमस्कार। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो दो तारीख है, दो तारीख को, दो मई को केवल हमारी अपील पर सुनवाई होगी महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। क्यों होगी उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी रिटें दो तारीख के लिए लगी हैं वो सब की सब देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की बेंच में लगी हुई हैं, केवल हमारी जो अपील है वो राजन राय साहब की कोर्ट में लगी हुई है। तो जो अपील टैग गिरोह के द्वारा या अन्य जूनियर्स के द्वारा फाइल हुई हैं वो सब वहाँ पर लग रही हैं देवेंद्र उपाध्याय और ओम प्रकाश शुक्ला के, तो उन पर तो सुनवाई का कोई मतलब है नहीं, वो सीधे उठा करके नॉट बिफोर ओम प्रकाश शुक्ला हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट डेट अगर लगेगी दो मई के बाद जब भी, तो उसके उस दिन भी हो सकता है वो साथ में आए, ठीक है। तो फिलहाल जो दो मई को है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सुनवाई है, वो हम लोगों की दो मई को राजन राय साहब की कोर्ट में होनी है। अभी हम लोगों को जनरल की तरफ से जो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है हमारी अपील में, जिसमें तीन चार लोगों ने लगाई हैं, एक तो अमरनाथ त्रिपाठी साहब की तरफ से एप्लीकेशन हमको रिसीव हो गई है कि हाँ हम इस अपील में अपना पक्ष रखना चाहते हैं, दूसरा आनंद भदौरिया साहब की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई है कि हमको भी इस अपील में सुना जाए, और इसके अलावा एक और शुक्ला जी हैं उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई है इम्प्लीमेंट के लिए, वो भी हम लोगों को रिसीव हो गई है, ठीक है। तो हमारी अपील में जो दो मई को लगी है वही राजन राय साहब की कोर्ट में लगी, और जितनी दिन नई फ्रेश फाइलिंग है वो सारी की सारी जो है वो ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में लगी है। तो वहाँ तो चूंकि सिंगल बेंच में उन्होंने डिसीजन दिया था तो उनकी सुनवाई होगी नहीं, तो उन पर ऑर्डर होकर नॉट बिफोर हो जाएगा, तो नेक्स्ट डेट पे आएंगी, ठीक है। तो जो ये सारी बात है, ठीक है। तो जो दो तारीख को है, हमने पहले बताया था कि हमारी हम लोगों ने कितनी मेहनत से तैयारी करके अपील तैयार करवाई थी, जब तक हमने नहीं फाइल की तब तक कोई अपील नहीं आई, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके लोग आने लगे, और जानते हैं कि धंधा अच्छा है, लोग 1000, 1500, 1200, 2000 जितना लूट पाए उतने में लूट करके एक जूनियर को पकड़ करके टैग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिंगल बेंच में सिर्फ हमारा जजमेंट में कोर्ट हुआ कंटेंशन, उसी तरीके से स्पेशल अपील में भी होगा, बाकी जितना भी ये सब तड़फ रहेंगे तड़फते रह जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी तरफ से सुदीप सेठ साहब पूरे मैटर को दो तारीख को स्पेशल अपील में क्या जजमेंट में क्या क्या खामियां रहीं उन सब चीज़ों पर बहस होगा, एक सीनियर हमारा और रहेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी उनके जो अन्य अपीलें हमारे लोगों की फाइल हुई हैं उन अपीलों पर ही हम लोग पूरी सुनवाई करवाएंगे। उसका रीज़न है कि भाई जैसे लोगों ने हमको पैसा दिया, ठीक है, तो केवल याची बनने के लिए स्पेशल अपील फाइल करने के करके हम जो है वो उतना ही करेंगे, क्योंकि मुकदमे को हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ तक लड़ करके इस आतताई सरकार से लड़ करके यहाँ तक लाए हैं, तो जितने भी हमारे साथी हैं लड़ने वाले, तो एक सीनियर तो हमारा ड्राइविंग सीट पर रहेगा जो पूरी तरीके से इन सब पर बहस करेगा फैक्चुअल चीज़ों पर, ठीक है, और केस ला क्या है, केस की मेरिट क्या है, क्या क्या उन सब पर रहेंगे। और एक हमारा सीनियर ऐसा रहेगा जो अन्य जो अपीलें हैं जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका रिलीफ ग्रांट करने के लिए बात कही जाएगी। बाकी जूनियर से तो हम लोग ना अभी तक लड़े हैं ना लड़ेंगे आगे, सिंगल बेंच में हमारे 6 जूनियर थे लेकिन हमने कभी उनको वकीलों के तरीके से जूनियर को सीनियर बना करके प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। आने लोगों के तरीके से ये नहीं कि हाँ भैया जो आ जाए जूनियर को लेकर के उसी को, लेकिन इसमें गलती लोगों की है, वो दिए पैसे बना दिया, अब आगे तो उनको पता चलेगा ना, जो लोग ये उम्मीद है कि हम 1500 दे करके टैग हो जाएंगे या 1000 दे करके या 2000 दे करके 2500 दे करके टैग हो करके उनको मिल जाएगी, तो ये उनकी भूल है। यही भूल 68 सिंगल बेंच में किए थे, नतीजा उनके सामने है, किस हद पर जाकर के वो लोग गिरे हैं वही असर इन लोगों का भी होगा। मैं पहले बता रहा हूं, मैं केवल अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूं, उनकी पूरी लड़ाई जैसे दमदारी से अब तक मैंने लड़ा है आगे भी लड़ेंगे और सीनियर के द्वारा ही लड़ेंगे, कहीं से भी उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है, ये बात है। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे लोगों की अपील का क्या हुआ, जितने भी साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमको सहयोग किया, जिन लोगों ने हमको डिटेल भेजी, हमको इन द सेंस टीम को, उन सब की अपीलें लगभग 90% तैयार होकर के उनको कोर्ट में भेजा जा चुका है, ठीक है। जिसमें जो रविशंकर के नाम से सिंगल बेंच में थी वो भी फाइल हो गई है, 90-50 जो लोहा के नाम से थी वो भी फाइल हो गई है, तस्लीम के नाम वाली भी फाइल हो गई है, संदीप के नाम वाली भी फाइल हो गई है, ठीक है, सुशील भाई के नाम वाली थी वो तो आ भी गई है, इसी तरीके से सुरेंद्र करके एक अपडेट थी वो हरीश बाबू करके थी, घनश्याम, और ये मतलब जितनी भी थी लगभग हम लोग सब तैयार करके ड्राफ्ट करके जो चीज़ें थी वो उठा करके फाइल कर दी। अब कोर्ट का थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, ठीक है, उस प्रोसेस में आने में कुछ टाइम लगता है, वो हमारे बस की बात है, ऐसा तो है नहीं कि हमने उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया और सुनवाई के लिए लिस्ट हो गई। हमने जितनी भी अपीलें डाली हैं उनमें कुछ कुछ प्रेयर्स चेंज करी हैं, ठीक है, उस क्यों चेंज की वो आगे की हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। मैंने पहले बताया कि हमने खुद की जो भास्कर सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की रेट थी हम खुद अपनी नहीं फाइल की है, और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जब तक हमारे साथ जुड़ा एक एक बंदा कोर्ट में नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम अपनी अपील नहीं फाइल करेंगे, ठीक है। हमने ये पहले भी बताया था कि अगर हम
जिस जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हमको दी है, तो ऐसा कदापि नहीं होगा कि हाँ हमें जाकर के पहले कूद जाए ताकि किसी को ये लगे कि अरे तो भैया चले गए हम लोग रह गए। मैं आप लोगों सबको इस लाइव के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जब तक हमारे साथ जुड़ा एक एक बंदा कोर्ट में नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं अपनी अपील नहीं फाइल करूंगा, सबसे लास्ट में फाइल करूंगा जब सारे लोग कोर्ट के अंदर चले जाएंगे। हम लोग दो तरीके से अपने साथियों को जोड़ रहे हैं, पहला तो स्पेशल अपील के थ्रू भी जोड़ रहे हैं और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि जो जनरल वाले भी कैंडिडेट्स हमारे पक्ष में उसमें रखने के लिए आ रहे हैं तो हम उसमें भी अपने साथियों को रखेंगे ताकि अगर कहीं से भी हम लोगों को किसी भी मुद्दे पर बोलना पड़े तो वहां पर जो है हम लोग बाद में बगले झांकने की स्थिति ना आए, जिस तरीके से सिंगल बेंच में मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ कि उस पर किसी ने काउंटर फाइल करने की हमारे अलावा जहमत नहीं उठाई, नतीजा वो चीजें गड़बड़ हुई। लेकिन इस बार सारी बागडोर हम लोग अपने हाथ में रख रहे हैं, कहीं से किसी को हम लोग बोलने का मौका नहीं देंगे कि कोई चीज़ हिलने डुलने वाली, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो जितनी भी अपीलें हम जितने भी साथियों ने हम लोगों को सहयोग किया था सबकी अपीलें तैयार हो गई हैं, उसमें से मोस्टली कोर्ट में फाइल हो गई हैं। अब सबके अलग अलग नहीं जा रहे, लगभग 6-7 अपीलें तो फाइल हो गई जिसमें ज़्यादा ज़्यादा लोग थे और अन्य साथी थे, ठीक है, उन सबको कोर्ट में फाइल कर दिया गया। वो प्रोसेस में है, प्रोसेस में आने में 2-4 दिन तो लगते ही, हफ्ता भर। अभी तक देखो आज तो संडे था, छुट्टी थी, कल सैटरडे तो ऑफ ही रहता है, ठीक है, फ्राइडे और ऑर्डर निकलवाने में सर्टिफाइड काफ़ी प्रोसेस है, तो वो सब धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक में 2-4-5-6 दिन में हफ्ते भर में हफ्ते 10 दिन में सारी की सारी आ जाएंगी। जब सारे लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं अपनी अपील फाइल करूंगा, उससे पहले नहीं फाइल करूंगा, ठीक है। तो ये आप चाहे हमारी जिम्मेदारी समझ लीजिए चाहे कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके अलावा एक बार फिर से बता दूं कि 2 मई को सिर्फ और सिर्फ हमारी अपील पर बहस होगी, ठीक है, और वो बहस जस्टिस राजन राय साहब की कोर्ट में होगी, क्योंकि अन्य जो गिरोह थे टैग वाले कि बस टैग करवा करके फेंक दो, भगवान जाने उनको बाकी माल जेब में रखो, जैसा कि उनके आकाओं ने किया, ये उन्हीं के चेले हैं जिन्होंने 6800 के नाम पर LP मिश्रा को लाए, संदीप दीक्षित साहब को लाए, फलाने के लाए, धमाकों को लाए, 50 लाख रुपये अंदर किया और आखिर में एक लाइन अपने लिए नहीं लिखवा पाए। ये उन्हीं के भेजे हुए चेले थे जिनका सिंगल बेंच में आपने देखा कि बहुत बुरी तरीके से मुंह की खाई, तो जब इनके आका कुछ नहीं कर पाए तो इनके गुलाम क्या करेंगे, हाँ जेब खर्च चलता रहेगा, ये इनके लिए रहेगा, ठीक है। तो जो 2 मई को सुनवाई, आप लोग काज लिस्ट निकाल करके चेक कर लीजिएगा, उसमें महेंद्र पाल के अलावा जो बाकी लगी हुई है वो जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और शुक्ला साहब की कोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, तो वो उनके यहाँ लगेंगी। तो जाहिर सी बात है कि सुनवाई जब राजन राय साहब कर रहे हैं तो उस पर हमारा वकील ही जो सीनियर हैं वही पक्ष रखेंगे, हमारी अपील पर ही सुनवाई होगी और हमारी अपील में ही जो भी ऑर्डर होगा 2 तारीख को उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर करके आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और जितने भी अपील हमारे साथ लोग जुड़े हैं सबको लगभग कंप्लीट करवा करके 90% लोगों को तो फाइल कर दिया गया, जो 2-4, 5-10-20 जो भी गिने चुने लोग बचे हैं उनको भी उठा करके 1-2 दिन में 2 तारीख को लगी है, तो 1 से 2 तारीख तक हर हालत में फाइलिंग उनकी भी हो जाएगी, क्योंकि 2 तारीख को है तो 2 तारीख से पहले फाइलिंग हो जाएगी, तब भी अगर किसी तरीके की रिलीफ या कोई चीज़ होती है तो वो कंसीडर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं और कुछ लोग और बता रहे हैं कि कोई याचिका डिफेक्टिव है, ये है वो है, तो ये सब देखो कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा होती है, उसमें कहीं कोई ये नहीं होती है। वो जो डिफेक्टिव का क्या प्रभाव पड़ता है उसका अंदाजा आप इस तरीके से अंदाजा मत लगाइए, आप राघवेंद्र प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाला जो अपील आई थी जिसमें नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कहा गया है, उस ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप सामान्य चीज़ है कोई उसमें ऐसी कोई इबट वाली बात नहीं है, हमारी जो फाइल होगी वो खुद उसमें समौता डिफेक्टिव लिख करके आता है, तो कोई इशू नहीं है। जब आप वो फाइल करेंगे देखेंगे राघवेंद्र वाला ऑर्डर तो उसमें देखेगा 90% अपीलों में स्पेशल अपील डिफेक्टिव लगेगा, तो वो एक कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा भर है, उसमें कहीं पर भी कुत्तों की तरह भौंकने लगना या किसी पर एलिगेशन डालना वो चीज़ें बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग करते हैं, ठीक है। मतलब अब आप सोचिए कि जब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी चाहे सिंगल में हो या उससे पहले, हर जगह पर हम लोगों ने सीनियर किया, सीनियर के द्वारा ही अपनी बात रखी और हमारा ही कंटेंस हर जगह पर रिकॉर्ड किया गया, हम पूरी की पूरी एक लाइन जजमेंट में लिखी है, ठीक है। कैसे लिखवाया, क्या हमारे सीनियर में, वो सब कुछ है, ठीक है। जूनियर अब यहाँ पर लोग क्या कर, लोग का क्या मतलब है, कुछ मैंने बताया ना कि गुलाम, ये कभी प्रत्यावेदन के नाम पे गुलाम थे, कभी जो है पर्ची के नाम पे गुलाम थे, कभी जो है 6800 के गुलाम थे, कभी उनके गुलाम थे, ठीक है। तो 6800 ने बड़ा प्रयत्न किया, काफ़ी कोशिश करी, उन्होंने ही इन गुलामों को हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए भेजा था, लेकिन अपने उसमें मंसूबों में ये लोग कामयाब न तब हुए थे ना अब होंगे, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत लोगों का कि हाँ आप कम से कम फीस दे दो ताकि हम आपको जोड़ दें। अरे जूनियर उठा करके क्या उखड़वा लोगे जूनियर से ले जा करके, ठीक है, कुछ होगा जूनियर से, 10 से 12 हज़ार जूनियर लखनऊ बेंच में हैं वकील, ठीक है, और 1.5 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं जूनियर के द्वारा, आज तक नहीं डिसाइड हो पाए, ठीक है, और कभी उनको मिला भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और जब भी सीनियर्स के द्वारा है, आप देखिए हम लोग सीनियर्स के पहले नंबर पर आपका मुकदमा अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, ठीक है। और आरके भाई वो देखिए ऐसा ना कि ये लोग जो है क्या हम बताएं कुछ कि जो कुत्ते होते हैं ना जब वो हड्डी को रगड़ रहे होते हैं खा रहे होते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है कि भाई जो है उन जो हड्डी को जब काटते हैं ना तो उसमें से खून निकलता है, ये उसी खून को चाट चाट के खुश होते हैं कि अरे भैया इस हड्डी से तो खून निकला, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता वो खून दरअसल उनके खुद के मसूड़ों का ही खून होता है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैसी हालत इन लोगों की है, इनका बस वही है कि जैसे कभी कुछ जिन्होंने
जिनको कुछ पता नहीं है, जो कभी को देखे नहीं है, तो उनको लगता है कि हाँ भैया हम तो जो है विश्व विजेता हो गए, जबकि इनको इतनी तमीज नहीं है कि एक अपील में एक लाइन तक नहीं लिखवा पाते। जब हमने फाइल कर दी उसके बाद निकाल करके दे फोटोकॉपी दे फोटोकॉपी दे फोटोकॉपी करके जो है तब जा करके हुए थे। और अभी भी एक जूनियर, अरे मतलब स्थिति अब इतनी भयानक स्थिति है, मैं आपको बताऊँ आर के भाई, कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जाओ, मतलब ये इन गिरोह की मैं बात कर रहा हूँ, गिरोह का मतलब इन डकैतों की बात कर रहा हूँ, ठगों की बात कर रहा हूँ। जैसे जब आप बस स्टॉप पर जाते हो, वहाँ बिस्लेरी होती है, ठीक है, तो बिस्लेरी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वहाँ पर बिकेगी कौन सी, बिलसरी बिकेगी, ठीक ना, मतलब बिस्लेरी को बिलसरी कह करके बेचा जाएगा। इसी तरीके से अन्य भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि जो मिलते जुलते नामों से होते हैं, ठीक ना। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे मुकदमे में सिंगल बेंच में प्रशांत चंद्रा साहब थे, सीनियर एडवोकेट हैं, पोर्टेज एडवोकेट बहुत बड़े सीनियर हैं, ठीक है। अब लोगों को इतना मूर्ख बना करके लाया गया कि उन्हीं के मिलता जुलता हुआ नाम चंद्रा सर से मिलता जुलता हुआ एक जूनियर जो है उसको ला करके खड़ा किए और प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े फलाने हैं धमाके हैं। अब मतलब ठगी का एक प्रकार का धंधा। अब अगर किसी के नाम के आगे चंद्रा लगा हो, ठीक है, तो वो प्रशांत चंद्रा नहीं हो जाता है। प्रशांत चंद्रा अपने आप में ब्रांड है, बहुत बड़े काउंसिल है, ठीक। उसी तरह से बिसलेरी में जब बिलसेरी का वो पैकेट लगाओगे तो उसमें ओरिजिनल पानी नहीं मिलेगा, उसमें मिलावट होगी होगी कुछ कुछ, मतलब ठगी का अबालम सोच लीजिए कि एक डिजिग्नेटेड सीनियर के मिलते जुलते नाम से ला करके खड़ा किया और लोगों को लड़के हमको फोन करते भैया वो तो चंद्रा साहब, हमने कहा चंद्रा नहीं है वो भैया। मतलब अब इस तरीके की जब ठगी आपके द्वारा हो रही है, लोगों बेवकूफ़ बनाओ जाए तो क्या बोला जाए क्या कहा जाए। तो उससे अच्छा तो यही है ना कि भैया जो लड़ाई प्रदेश के साथियों ने हमारे कंधों पर डाली है, हम उसको जिस तरीके से सिंगल बेंच में पूरी तरीके से हर चीज़ लिखवाए, हर चीज़ जजमेंट में को एक एक लाइन जो हम लोग बोले हैं लाइव में, जो हम लोग कहें हैं, जो हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखे हैं, वो सारी की सारी हर एक चीज़ जजमेंट में कोटेड है। बस वही सारी चीज़ें हम लोग फिर से स्पेशल अपील में, तो कुछ नया करने की जरूरत नहीं, एटीआर को हम लोगों को डिफेंड करना, तो उस पर हमारी अपील एकदम तैयार है। मैं अभी कुछ भी उसमें नहीं बोलने की स्थिति में हूँ, इसे नहीं बोलूँगा ताकि कल को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक डिटेल सुनवाई एक बार राजन साहब कोर्ट हो जाए तब तक कुछ भी बोलना उचित नहीं है, ठीक ना। लेकिन जिस दिन सुनवाई हो गई और जजमेंट आ गया उस दिन आप हम लोग हमारी अपील जरूर देखिएगा कि जो जो हम लोगों ने अपनी अपील में लिखा है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेकिन अब बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन जितनी अपील में हम लोग लिख के आएंगे वही जजमेंट पर यथास्थिति लिखा होगा। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कोर्ट है, जस्टिस शुक्ला साहब बहुत बढ़िया जजमेंट किए, लास्ट में एटीआरई पर चूक गए, ठीक है, तो ऐसे तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने जजमेंट उठाई, जो जजमेंट कोर्ट किया है, जो फाइंडिंग हम लोग डाले हैं, जो ग्राउंड बनाए हैं अपनी अपील में, उन्हीं ग्राउंड पर स्पेशल अपील का जजमेंट आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो ये सब बातें हैं, बाकी किसी भी साथी को बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ये बिसलेरी है बिलसरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिएगा कि हम वो नहीं है कि जो है आपको बिसलेरी दिखा करके बिलसरी कर दें, ठीक। और बाकी सीनियर का रुतबा क्या होता है वो आने वाले स्पेशल अपील की जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा, वो वाली लूट फाती वाला काम नहीं होगा कि हाँ प्रदेश के कुछ छोटे भैया लोगों को उठा करके जूनियर से अटैक करवाना, उसमें कोई बहादुरी नहीं है, वो तो कोई भी दो कौड़ी का कर सकता है, ठीक है। लड़ने की अगर कुवत हो तो सीनियर से लड़ें, और वो भी ऐसे सीनियर से लड़ें, ऐसी ब्रीफिंग करें कि आपका जजमेंट में ना केवल नाम हो बल्कि आपके काउंसिल का जो भी कंटेंशन रहा हो, जो जो बात रही हो, जो आप चाहते हो, वो सब कुछ जजमेंट में अगर लिखा सको तभी तो आपकी बात है, वरना क्या है। 91 या 90 कुछ याचिकाएं थी, किसी का कुछ है उसमें जजमेंट में, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे काउंसिल का है। और एक एक चीज़ है जो हम लोग फेसबुक पर गला फाड़ पड़ करके चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, लोग तो यहां तक कह दिए थे कि 6800 का ही घोटाला है, उनके मुंह पे भी जूता पड़ गया जब कोर्ट ने उसमें लिख दिया कि नहीं इतना नहीं इतना भी है। हर चीज़ है, वो अलग बात है कि एटीआरई को भी हम लोग बहस करना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग कंटिन्यूएशन में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी मूर्खों की बातों पर इस तरीके का परेशान या हताश होने की जरूरत नहीं। जितनी भी अपीलें हम लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं किसी का भी अहित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा 6800 वाली जब लिस्ट आई थी उससे पहले भी मैंने कहा था कि 69000 में अगर एक भी सीट भरी जाएगी आरक्षण मुद्दे पर तो उसमें से हम लोगों का भी होगा। उस बात में आज भी कायम हूँ, ठीक है। लोग कहते रहे लिस्ट आ गई अब तो जो है करवा ले जाएंगे, ये करवा ले जाएंगे, फलाना ढमका करवा ले गए, जाके करवा के दिखा देना, ठीक है। मैं अपनी बात पर जो मैंने तब बात कही थी वही आज भी कहता हूँ कि आरक्षण मुद्दे पर 69000 में एक भी सीट भरी जाएगी तो उसमें हम लोग होंगे। अगर कोई ये सोच ले कि जो है वो लेकर के भाग लेगा तो उसका हासिल उसी तरीके से जिस तरीके से गद्दारों का हुआ है वैसे ही बाकी का भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो जितने भी साथी जुड़े हैं अभी तक आप लोगों ने हम लोगों का काम देखा, आप लोगों को याद होगा 5 जनों की जब लिस्ट आई थी, मैं उन सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों को नहीं याद करना चाहता हूँ, मेरे कई मित्र थे क्या हैं, उनके ऊपर क्या गुजरी, किस तरीके से उनके घर में कैजुअलिटी तक हो गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें मैं कभी भूलता नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये लोग खून के आंसू रोएंगे और वही हुआ, खून के आंसू रो रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि उनको कोई कंधा नहीं मिल रहा जिस कंधे पर वो रख करके ये कह सके कि हाँ भाई लड़ाई लड़ी जा सके, ठीक है। आज की स्थिति में ड्राइविंग सीट पर कौन है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं, और 2 तारीख की सुनवाई तक 6800 का कोई बंदा कोर्ट में नहीं पहुंच सकता, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और अगर थोड़ा सा भी किस्मत ने साथ दिया तो 2 तारीख को ही जय श्री राम हो जाएगा, लगभग लगभग जजमेंट पर, डेट आगे लगेंगी, ठीक है, लेकिन केस की दशा और दिशा
दो तारीख को लगभग लगभग तय हो जाएगी। जो हमको लिखवाना है वो मतलब उम्मीद तो पूरी है कि वो हम लोग दो तारीख को ही, बस कुछ गड़बड़ ना हो, तो दो तारीख को 99% वो चीज़ जजमेंट में हम लोग लिखवा ले जाएंगे। फिर ये लोग टहलते रहेंगे, जिस तरीके सिंगल बेंच में टहलते रहे उसी तरीके से अब टहलते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आत्ममुग्धता में या अपने से दूसरे को कमतर या हेय दृष्टि नहीं देखना चाहिए। अगर संघर्ष उन लोगों ने किया था तो संघर्ष हम लोगों ने भी किया था, कहीं पर भी हम लोगों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसका अंजाम इन लोगों ने गद्दारी से दिया। उसका परिणाम यह है कि आज उनके ही लोग उनको गरिया रहे हैं, उनके ही लोग उनको बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, बाकी उम्मीद करें दो तारीख को सिर्फ और सिर्फ जस्टिस राजा राय साहब की हम लोग हमारी याचिका लगी है स्पेशल अपील, उसी पर सुनवाई होगी। बाकी जो भी अपीलें हैं वो सब जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में लगी हैं, तो वो नॉट बिफोर शुक्ला साहब होगा, वो फिर नेक्स्ट डेट में अगर लगेगी तब जाकर के वो टैग होंगी जाकर के। तो ये सारी बातें हैं, तो बस और तो कुछ नहीं। जो बाकी डिफेक्टिव वाला हमने बता दिया कि डिफेक्टिव सामान्य प्रक्रिया, उसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग राघवेंद्र वाला आर्डर देख लीजिए, उसमें जितनी भी याचिकाएं लगभग 90% याचिकाएं डिफेक्टिव है, वो कोई इशू नहीं होता, कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत आती है, ठीक है। और कुछ भाई पूछ रहे कि भाई छोटी याचिकाएं, देखिए जितनी भी पिटीशन हैं सबको कंपाइल कर दिया गया है, दो कुछ जो बची हुई हैं वो एक दो दिन में और हो जाएंगे, उसमें किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्ञान प्रकाश भाई बोले EWC EWS, देखिए हम जैसे वो लोग क्या हैं, वो हमारे फटम टांगड़ाने आ गए, उनको कोई मतलब नहीं था उन सब चीज़ों का। दरअसल जो लोग आए हैं वो भी एक तरीके से मोहरे हैं, मोहरे इस तरीके से हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि भैया तुमको नौकरी मिल जाएगी, जबकि दरअसल नौकरी उनको नहीं मिलेगी। जो चयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो खुद को बचाने के लिए इन अचयनित जनरल अभ्यर्थियों को मोहरा भर बना रहे हैं कि हाँ तुम लड़ो तुम्हारा हो जाएगा। दरअसल वो इनको नहीं लड़ा रहे हैं, वो खुद की नौकरी सेव करने की इनकी आड़ में, क्योंकि उनको तो नौकरी करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे उसमें चूजे हैं, उसी तरीके से वो भी उनके चूजे ही हैं। उसका अंदाजा इस तरीके से आप लगा लीजिए कि वो तो नौकरी कर रहे हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो इलीगली अपॉइंटमेंट पा गए हैं, ठीक है। तो वो अब वो तो मुकदमा लड़ने आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कुछ उसी वर्ग अपने ही वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों को मोहरा बना दिया कि हाँ भाई तुम लड़ो तुमको मिल जाएगी, और हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको सीनियर दे रहे हैं। इसीलिए जो भी फंडिंग हो रही है वो टोटल फंडिंग उन लोगों की तरफ से हो रही है, लेकिन हमारे तरफ के जो हैं OBC SC वर्ग के अभ्यर्थी जो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं वो तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, ठीक है। तो उनसे कुछ मतलब नहीं, इसलिए पिछड़े और दलित हैं और कोई बात थोड़ी, इसलिए तो कोई आकर के इनको दबा कुचल करके निकल जाता है। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई कि जब खलीफा फाकते उड़ाया करते थे, अब हम लोग हैं, लेकिन जो जिसको जॉब मिल गई वो तो कुंभकर्ण की नींद में सो जाता है, लेकिन हम लोगों को चूँकि अभी नहीं मिली तो हम लोगों को तो जागना ही पड़ेगा। तो ये बातें हैं, तो उनकी उनको भी मोहरा बनाया गया है इस मुद्दे पर, जबकि कायदे से अगर उनकी लड़ाई लड़नी थी, सरकार से लड़नी चाहिए थी, EWS मुद्दे पर लड़ना चाहिए, तो कुछ लोग EWS पर आप कर दीजिए घुस जाइए कि न मिलने, अरे हमसे क्या मतलब भैया, जाओ लड़ो भेजो सरकार से, लो जाकर हमसे क्या लेना देना, हम तो नहीं चाहते कि यहाँ वो, लेकिन ये लोग आए हैं तो इनको जीरो करके भेजेंगे, ये वादा है, ठीक है। ये सारी बातें हम अनुराग यादव वाली कहोगे, भैया सारी याचिकाएं हो गई हैं, अब कोई बार बार आप ये ना पूछे कि हमारी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, धमाका नहीं हुआ, ये सब बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें। कोई भी, इसलिए मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि जब तक एक एक याचिका नहीं हो जाएगी, जितना एक एक साथी जो हमारे साथ इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब तक जितने भी साथी हैं हमारे साथ, जब तक वो सारे कोर्ट में नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ जो इक्का दुक्का बचे हैं तब तक हम अपनी नहीं ले जाएंगे अपील, इसलिए मैं सबसे लास्ट में ले जाऊंगा, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं सभी को कोर्ट कल एक दो दिन में सारी की सारी हो जाएंगी। ये प्रोसीडिंग होती है उसमें, आप तो फाइलिंग दरअसल इस तरीके से दिखाती है कि जब आज फाइल कर दो फिर उसमें कोई पेज सारे पेजेस चेक हो रहे हैं कि भाई किस कोई पेज धुंधला तो नहीं है, फोटोकॉपी साफ नहीं है, तो उसमें पूरी चेक करके अगर कोई पेज पता चला फोटोकॉपी अच्छी नहीं है तो फिर दूसरा फोटोकॉपी मांग लेता है, तो उसमें दो एक दिन का टाइम लग जाता है, तो इस वजह से नहीं आ रही। बाकी जितनी भी याचिकाएं हैं मोस्टली जो है हम लोगों ने फाइल कर दी है, और अगले हफ्ते से वो आना शुरू हो जाएंगी, आना तो शुरू हो गई हैं, और बाकी एक दो दिन में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बाकी दो तारीख का वेट करिए, हम लोग इस तरीके से पूरा मुद्दा अपना सिंगल बेंच में लिखवाए हैं, ATRE पर स्पेशल अपील में जरूर लिखवाएंगे, इसमें कोई दौरा नहीं, और दो तारीख को उम्मीद है कि केस की दशा दशा दोनों तय हो जाएगी।